हेलो व्यूवर्स, वेलकम इन टू माई न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ मकाओ पैरट के बारे में। इसकी ब्रीडिंग का मुकम्मल तरीक़ाकार, इसके ओरिजिन और डिस्क्रिप्शन के साथ मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगी। इसके मेल और फीमेल का जो फ़र्क है वो फ़र्क क्या है, इसकी रोज़ाना की जो फीड है, जो रोज़ाना की डाइट है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसका ब्रीडिंग सेटअप और जो केज है उसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, केज कैसा होना चाहिए, मुख्तलिफ तर्ज की जो बीमारियां होती हैं उससे मकाओ को किस तरह बचाया जा सकता है, इसके एग हैचिंग की इंफॉर्मेशन और ये सब टॉपिक जो हैं वो मैं आपके साथ इसी वीडियो में कवर करूँगी। सो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो हम मज़ीद वक़्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मकाओ परिंदों में बड़े इज़्ज़ाम, खूबसूरत और शोख रंगों वाले तोतों की तकरीबन 18 नस्लों का आम नाम है। मकाओ आमतौर पर जनूबी और शुमाली अमरीका में पाए जाते हैं। मकाओ परिंदे लंबी दुम, शोख रंग और खूबसूरती की वजह से इनका शुमार दुनिया के शानदार परिंदों में होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मकाओ जो है वो 18 नस्लों का आम नाम है, तो इनमें से कुछ इकसाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मकाओ तोतों की चोंच काफ़ी बड़ी और काफ़ी मज़बूत होती है। ये अपनी बड़ी और मज़बूत चोंच से बीज के सख्त से सख्त खोल वाले खुश्क मेवे वगैरह बड़ी आसानी से तोड़ लेते हैं। मकाओ तोतों की चोंच इनके दरख्तों पर चढ़ने, पौधों और फलों के बीज वगैरह को ढूंढने में भी मदद करती है। तोतों की दूसरी नस्लों की तरह मकाओ तोतों के भी पाँव की 4 उंगलियाँ होती हैं। पाँव की उंगलियों की ये साख्त मकाओ तोतों को दरख्त की टहनी और दूसरी जगहों पर बैठने में मदद करती है। अगर इनके वज़न की बात की जाए तो इनका वज़न तकरीबन 0.9 किलोग्राम से लेकर 2 किलोग्राम तक हो सकता है और इनकी औसतन उम्र तकरीबन 50 से 60 साल तक होती है, लेकिन बात नस्लें 60 साल से भी ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहती हैं। मकाओ में मेल और फीमेल में फ़र्क आप नहीं कर सकते, सिर्फ इस बात से अंदाज़ा किया जा सकता है कि मेल का सर फ्लैट होता है और फीमेल का सर नैरो यानी के बारीक होता है। तो सिर्फ इसी बात से इसके मेल और फीमेल होने का अंदाज़ा हम कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें मकाओ की फीड के बारे में, इनकी खुराक के बारे में, तो मकाओ तोते हमाखोर यानी सब कुछ खाने वाले परिंदे हैं। ये ओमनीवोरस हैं, सख्त खोल वाले खुश्क मेवे, दरख्तों पर लगे फल, अंडे, छोटे हशरात और जानवर तक खा जाते हैं। मकाओ तोते रात भर सोते हैं और दिन के वक्त खुराक की तलाश में लंबा सफ़र भी करते हैं। मकाओ तोतों की कुछ इकसाम को मिट्टी खाते हुए भी देखा गया है, शायद ये इनके निज़ाम इन्हज़ाम में मदद करती है। अगर आपने मकाओ तोतों को अपने पास केज में रखा है तो आपने इनको कौन सी फीड जो है वो प्रोवाइड करनी है, कौन सी चीज़ें जो आप इन्हें दे सकते हैं कि इनकी फीडिंग की रिक्वायरमेंट्स पूरी होती रहें, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इनकी खुराक में शामिल होने चाहिए। विटामिन्स और मिनरल्स आप पाउडर के फॉर्म में इनकी खुराक पर छिड़क दें ताकि इनकी खुराक में इनकी कमी ना हो। इसके अलावा भी चिकन्स, कुकमेट ऐसी चीज़ें
इन्हें दी जा सकती हैं जिनसे इनकी कुव्वते मुदाफा बढ़ती रहे और एनर्जी की डिफिशेंसी ना हो। आप इनकी फूड को वक्तन फवक्तन चेंज करते रहें। आप इन्हें बादाम, अखरोट और अलग अलग किस्म के नट्स जो हैं वो भी दे सकते हैं। सीड्स इनकी खुराक का हिस्सा होने चाहिए। अब अगर हम बात करें मकाऊ के घोंसले और नस्ल बढ़ाने के बारे में, तो मकाऊ तोते अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए अपने साथी का इंतखाब करके सारी ज़िंदगी उसी के साथ गुजार देते हैं। ये ना सिर्फ अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए साथ में रहते हैं बल्कि ये एक दूसरे का ख्याल भी करते हैं। मिका तोती अंडे देने के बाद उसको इनक्यूबेट करने के लिए जब उसके ऊपर बैठती है तो नर तोता ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने साथी के लिए भी खाना तलाश करता है। मिका तोती एक वक्त में ज़्यादातर 2 से 3 अंडे देती है जिनमें से तकरीबन 1 माह में बच्चे निकल आते हैं। वाइल्ड में ये ज़्यादातर अपने घोंसले दरख्तों में सुराख करके बनाते हैं। इसका बच्चा जब निकलता है तो वो वेदरलेस होता है और बिल्कुल ब्लाइंड होता है। इनकी जो बुरी आदत है वो ये है कि ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग चिक्स को ही पालते हैं, यानी जो स्ट्रॉन्ग ताकतवर हेल्दी चिक्स होता है ये सिर्फ उसी को ही पालते हैं। कमज़ोर को ये खुराक नहीं देते बल्कि मरने देते हैं। मकाऊ का ब्रीडिंग सीज़न जनरली जनवरी से जुलाई के दरमियान में हर साल आता है। मकाऊ की ब्रीडिंग अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो अगर आप केज में मकाऊ से ब्रीडिंग लेने का सोच रहे हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ अब शेयर करूँगी, कुछ टिप्स शेयर करूँगी जिन पर आपने अमल करना है। अगर आप इन पर अमल करते हैं तो आप इनसे केज में बहुत ही ज़बरदस्त ब्रीडिंग ले सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी टू ब्रीड ए मकाऊ। और जब मकाऊ की ब्रीडिंग होती है तो ये बहुत ही अवॉइडिंग भी हो जाते हैं। ये एक बर्ड नहीं, एक कैंपेनियन है, तो इसे उसी किस्म की जो केयर है वो चाहिए होती है। तो ब्रीडिंग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो पहली बात आपके जहन में होनी चाहिए, वो है इनका केज का साइज़। जब आपका बर्ड 3 फीट या इसके आसपास होता है तो उसके केज का साइज़, हाइट उसकी 9 फीट, चौड़ाई 8 फीट और जो डेप्थ है वो कम अज़ कम 18 फीट होनी चाहिए, ताकि बर्ड इसमें उड़ सके, फिदर्स फैला सके, उसकी मूवमेंट हो सके और वो हेल्दी रहे। जब आप ये दे देते हैं तो उसके बाद आती है नेस्ट बॉक्स की। उसकी हाइट 3 फीट, चौड़ाई 3 फीट और गहराई जो है वो कम अज़ कम 2.5 फीट होनी चाहिए। इसकी ब्रीडिंग एज 7 साल होती है और ये साल में सिर्फ एक बार ही ब्रीड करता है। मादा 2 से 3 अंडे देती है। कुदरत ने मकाऊ को बनाया ही इस तरह है कि इनको बादाम, अखरोट और अलग अलग तरह के नट्स देने होते हैं जिनमें फैट कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, तो मकाऊ को कुदरती तौर पर ज़्यादा फैट चाहिए। ब्रीडिंग में ख़ास तौर पर इन्हें अच्छा फैट, अच्छे कैल्शियम, अच्छे मिनरल्स, ये सब मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने इनकी फीडिंग, केज साइज़, नेस्ट बॉक्स साइज़, इन सब का ख्याल रखना है। अगर आप इन बेसिक बातों का ख्याल रखते हैं, इनको जहन में रखते हैं, तो आप इनसे ब्रीडिंग ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें मकाऊ तोतों के बिहेवियर के बारे में, इनके रवैये के बारे में, कि इनका कैसा बिहेवियर होता है, कैसा इनको एनवायरनमेंट चाहिए होता है, कौन सी चीज़ें जो हैं वो इनके आसपास होनी चाहिए जिन्हें ये पसंद करते हैं, तो मकाऊ तोते खेलने वाले और खिलौनों को पसंद करने वाले परिंदे होते हैं। खिलौनों में ये लकड़ी की बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। मकाऊ तोतों को लगातार खिलौनों की ज़रूरत होती है क्योंकि ये ज़्यादातर खिलौनों को ख़राब कर देते हैं या तोड़ देते हैं। मकाऊ तोते काफ़ी ज़हीन और इंसानों के साथ ताल्लुक़ कायम करने वाले होते हैं। इनमें 7-8 साल के छोटे बच्चे जितनी अकल होती है, जिसकी वजह से ये चीज़ों को जल्दी सीख लेते हैं। अगर वाइल्ड फॉर्म की बात की जाए तो मकाऊ तोतों को वाइल्ड में ज़्यादातर झुंड की सूरत में देखा गया है और इनको आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए ऊंची आवाज में बोलते और गुनगुनाते हुए भी देखा गया है। मकाऊ तोतों को बड़े पिंजरों में रखा जा सकता है। ये पिंजरे कम से कम इतने बड़े हों कि ये अपने पर आसानी से इनमें फड़फड़ा सकें और उन पर कोई जख्म भी ना आए। इन परिंदों को रखने के लिए बड़े से बड़ा पिंजरा ही ज्यादातर फायदेमंद रहता है। सो व्यूवर्स, अब अगर हम बात करें मकाऊ तोतों के
सेहत हेल्थ इश्यूज़ के बारे में कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो इनके साथ हो सकते हैं और कैसे आपने इनको उनसे बचाना है, कौन से हिफाजती इकदाम आपने करने हैं कि आप अपने बर्ड्स को इन इश्यूज़ से बचा सकें। तो मिकाओ तोतों को ज़्यादातर जो बीमारी लगती है वो इनके पर झड़ने वाली बीमारी है। ये बीमारी इनके पर तोड़ने की वजह से या फिर किसी तिब्बी वजूहात की वजह से भी हो सकती है। तो इस बीमारी से बचने के लिए आप अपने मिकाओ तोते को एक अच्छा और साफ सुथरा माहौल दें। आपने इनकी केज डिसइंफेक्शन भी साल में एक बार ज़रूर करवानी है। इसके साथ ही साथ आप इनको खेलने के लिए साफ सुथरे खिलौने और रस्सी वगैरह दे दें। मिकाओ तोतों को मैदे की बीमारी भी हो जाती है। इसके अलावा इन तोतों को बुखार, परों की कोई बीमारी लगना, दांत आगे पीछे उगना या होना और फफूंदी का लगना वगैरह जैसी बीमारियां लगती हैं। तो जानवरों के डॉक्टर को बाकायदगी से चेकअप करवाने से इन बीमारियों से बचा जा सकता है। सो व्यूवर्स, ये थी मिकाओ तोतों के बारे में इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आए होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।